नमस्कार, आदाब। स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, हकीम साहब की पूरी टीम पहुंची है मुंबई महाराष्ट्र, जहां पे बेहद तेज बारिश हो रही है, लेकिन हम नहीं रुक रहे, नहीं थम रहे, क्योंकि हमें मुलाकात करनी है अपने परिवार के उन सदस्यों से जो सेहत और ज़िंदगी प्रोग्राम और सेहत और हिकमत प्रोग्राम का एक हिस्सा ही नहीं परिवार के सदस्य हैं। और हम जानना चाहते हैं आपकी सेहत का हाल, आप हमारे साथ जुड़कर कितने फिट और फाइन हैं, कितने स्वस्थ हो गए हैं। ये सभी बातें हम आपसे करने के लिए आपके घर आ रहे हैं। और इसी दौरान अपने सफ़र की हमने शुरुआत तो मुंबई में कर दी है, और मुंबई के भिवंडी में आज मैं पहुँची हुई हूँ अपनी पूरी टीम के साथ। और आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हसीना खान जी। तो चलिए मिलकर उनका बहुत स्वागत करते हैं। स्वागत है मैम आपका, बहुत बहुत आदाब। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मैम आपकी उम्र कितनी है, आपके घर में कौन कौन है? 58 है। हमारे घर में शौहर हैं, 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बहू है, पोता है जी। हाँ। तो आप घर में ही रहती हैं या बाहर भी कोई काम काज करती हैं? नहीं नहीं घर में रहते हैं। हाँ जी। आप हकीम साहब से कैसे जुड़ी? हकीम साहब से यही प्रोग्राम देख के, वो पहले तो ऐड उसमें पेपर में आती थी ना। अच्छा। हाँ। इनके लाभ में देख के तब वहाँ पहुँचे। अच्छा, तो कितने सालों से जुड़ी हुई हैं? 2008 से। 2008 से जी। तो आपको कैसे पता चला था कि हकीम साहब जो हैं वो यूनानी ट्रीटमेंट बताते हैं, घरेलू नुस्खे बताते हैं, वही आपने पेपर में देख के उनके आर्टिकल के जरिए? हाँ, तो मतलब यहाँ पे भी उनका आना जाना था एक। अच्छा। कोई है ना वहाँ पे थाना रोड पे। अच्छा। तो मतलब वहाँ पे हम गए ना, तो हमारे शौहर बोल के दवा ले आए, लेकिन मैं बोली मैं हकीम साहब से मुलाकात करके तब मैं उनकी दवा लूँगी। तो मैं वहाँ गई रई रोड। अच्छा। हाँ, रई रोड गई हूँ, वहाँ पे हकीम साहब से मुलाकात करी, दवा ली, दवा लेके 4 महीना मैं दवा खाई। तो मुलाकात हुई थी आपकी हकीम की? मुलाकात हुई थी। अच्छा। लेकिन अभी जो दोबारा मैं दवा ली हूँ तो हकीम से मुलाकात नहीं हुई है। जी, जी, जी। हकीम साहब है ही नहीं यहाँ पर। हाँ। तो आपको परेशानी क्या थी? हमको परेशानी यही थी कि मतलब मैं गिर गई थी। गिरने के बाद मेरी हड्डी में मतलब 3 हड्डी मेरी खराब हो गई है, कमर, चौथे में थोड़ा सा दाग है। तो उसका इलाज मैं यहाँ पे कर रही, बहुत करी बहुत करी, डॉक्टर लोग एक्सरे हैं, खून की रिपोर्ट है, जो भी समझ में आ रहा था कर रहे थे। मैं 8-9 साल परेशान थी। तो आखिरी में डॉक्टर साहब सिद्दीकी हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब बोले कि आपका ऑपरेशन होएगा, मामूली ऑपरेशन। मैं बोली मैं ऑपरेशन नहीं कराऊँगी, मैं सुनती हूँ कि ऑपरेशन होता है तो इंसान कामयाब नहीं होता है, तो मैं नहीं कराऊँगी। तो बोले बस यही तो बात है, खाली अब एक कैप्सूल दिए और एक दवा दिए कि मतलब यही खाना कैल्शियम का, मैं उसको लेना छोड़ दी, मैं ली नहीं। तो वो उतने टाइम मेरे को ये इनकलाब पेपर मिला, मैं देखी और हकीम साहब का यहाँ से मैं 1 महीना दवा खाई मंगा के, लेकिन फिर मैं हकीम साहब से मिलने का एकदम अपने दिल में पक्का कर ली, मैं उनसे मिल के मुलाकात करके तो मैं हकीम साहब से मिली। तो फिर हकीम साहब बोले कि आपको दवा लेने की इधर उधर से ज़रूरत नहीं, आप यहीं से मंगवाना दवा। जी, जी, जी। तो मैं अपने भांजे को भेजती थी, 4 महीना मुस्तकिल मैं उनका इलाज करी, तो ये बाजू का मेरा सही हो गया। सही हो गया, ये पैर मेरा उठ नहीं रहा था तो सही हो गया। तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं। तो फिर ये पैर मेरा अभी 1 साल से मैं परेशान हूँ। तो दिखाई मैं डॉक्टर को, MRI कराए, एक्सरे हुआ, सब कुछ हुआ, डॉक्टर यही बोला कि नस दबी हुई है। जी, जी। अब बोले जो हड्डी खराब है उसका कुछ हम नहीं कर सकते, उसको जहाँ पे है उसको पड़ा रहने दो, लेकिन जो नस दबी हुई है तो उसको या तो मतलब ऑपरेशन कराओ या तो इंजेक्शन लगाओ। मैं बोली मैं कुछ नहीं करूँगी, ना इंजेक्शन लगाऊंगी ना तो मैं उसका ऑपरेशन कराऊंगी। तो मैं अपने बेटे को मतलब फ़ोन करी, फिर मैं अपने बेटे को भेजी वहाँ पर हकीम साहब के, तो वो दवा किया। दवाई कौन सी आपने ली थी मैम? SCARE और RCARE। RCARE ली? हाँ, SCARE RCARE दोनों दवा। तो इतने सालों से आप जुड़ी हुई हैं, तो आपको ये पूरा विश्वास हो गया? एकदम पूरा पक्का यकीन है। तो मतलब मैं ये बोली कि मैं वहाँ की दवा नहीं खाऊंगी, हालांकि अच्छा डॉक्टर है नस का। जी जी। डॉक्टर देशमुख यही भिवंडी के हैं। जी जी जी। तो मैं उनको दिखाई तो वो यही बोले। फिर मेरा बेटा गया दवा लेकर आया, हकीम साहब जो उनके असिस्टेंट जो भी रहते हैं, तो वो मतलब बोले 4 महीना दवा खाना, तो मैं 4.5 महीना दवा खाई। उन पे मेरे को पूरा पक्का मतलब भरोसा हो गया है कि मतलब मैं उन्हीं की, अभी फिर मेरे को जरा भी कुछ तकलीफ होगी तो मैं उन्हीं का इलाज करूँगी। और ये मेरे को दवा नुकसान करती है जो आप बाकी लेती हैं? हाँ, जो लेती हूँ मैं, वैसे मैं कोई दवा नहीं लेती हूँ।
ठीक है, आपके अलावा भी घर में कोई इस्तेमाल कर रहा है हकीम साहब की दवाइयाँ? मेरी लड़की इस्तेमाल कर रही है, हकीम साहब से बोली थी 2 महीने की दवा उसको, अंदरूनी जो बीमारी उमारी रहती है ना, हाँ, तो उसको मैं 2 महीना उसका इलाज करी थी। आराम है उन्हें? अल्हम्दुलिल्लाह आराम भी है और बच्चे भी नहीं। वो क्या बाबू वो लेके खड़ी थी ना लड़की, हाँ वही लड़का। अच्छा, कितने साल की है वो? 35 साल के। 35 हाँ जी। उन्हें जो परेशानी थी उसके लिए कौन सी दवाई ली उन्होंने? अब यही तो नहीं मालूम, वो डब्बा हकीम साहब का था। आराम है? हाँ उनको आराम है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला नियामत से भी नवाजा। आपने और लोगों तक भी हकीम साहब की दवाइयाँ पहुँचाई हैं? बहुत सारे लोग को पहुँचाई, मेरी बड़ी बहन थी उनको भी मैं बोली जी। और भी बहुत सारे लोग को मैं भेजी हूँ, सब वहाँ से दवा की। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सबको आराम है। ये बाजू में भी एक लड़का था, अभी उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, उनको भी मैं भेजी कि मतलब जाके उनको दिखा लो एक बार, खाली उनसे मुलाकात के दवा ले लो, अगर जो होता है अभी तुम अंग्रेजी डॉक्टर के यहाँ दौड़ना मत, पर तुम डायरेक्ट उसको दिखा लो बच्चे को। तो बोले ठीक है, तो लेकर गए हकीम साहब, देखे तो दवा दिए, 4 महीना मेरे को लगता दवा, बच्चा बिस्तर पे था अल्हम्दुलिल्लाह, आज जैसे पहले वो काम करता था आज भी वो काम कर रहा है। मैम जब आपको परेशानी थी, पैरों की तकलीफ थी, तो आपको घर का काम करने में भी बच्चों का काम करने में भी तकलीफ बहुत होती होगी? बहुत तकलीफ होती थी, मतलब मैं तकियों के लगा के ऐसे मैं एक जगह बैठी रहती थी, दीवार पकड़ पकड़ के चलती थी, चला नहीं जाता था जी। तो आपने लगभग कितने ट्रीटमेंट आप फॉलो कर चुकी होंगी, दवाइयाँ कितनी खा चुकी होंगी कि उसके बाद आपने सोचा कि अब हकीम साहब की दवाई खानी चाहिए? 2008 से मैं हूँ, मतलब 1993 में मेरी तबीयत ख़राब हुई। ठीक है। नहीं 93 में, सिर्फ 93 में, तब से मुझे तकलीफ थी लेकिन मैं लापरवाही कर दी। तो डॉक्टर को मैं दिखाई, एक्सरे निकाले सब कुछ, तब पता चला कि रीढ़ की हड्डी मेरी खराब हो गई। तो ऑपरेशन से बच के कैसा लगता है अब? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, क्योंकि मैं ऑपरेशन जिसका भी हुआ कामयाब नहीं हुआ है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं हकीम साहब से मिली, हकीम साहब बोले कि मैं ऑपरेशन से बचाता हूँ। जी जी। हाँ तो उनकी बात ये मेरे को मतलब अमल में आई और मैं उनका इलाज चालू करी, कामयाब हो गई जी। तो हकीम साहब से जुड़ के आपको कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, अब जो भी मेरी समझ में आता है, जो मेरे को जो कमर की तकलीफ बताया सीधा रास्ता मैं बताती हूँ, चले जाओ वहीं पर दवा मिलेगी, महंगी है लेकिन अच्छी दवा है। घर में भी हकीम साहब के नुस्खे बनाए हैं कोई आपने, कभी कोई नुस्खा ट्राई किया? उसका बनाई थी ना बुकनी, मतलब बुकनी उनकी पता नहीं क्या क्या उसमें सब गोंद बनाई थी, अभी थोड़ी सी रखी हुई है, वो भी मैं खाती हूँ। वो भी खाती? हाँ खाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सब सबसे आराम होता है। जो महिलाएं, जो पुरुष आपको सुन रहे हैं, जितने भी हमारे दर्शक हैं वो आपको सुन रहे हैं, और जिन्होंने अभी तक यूनानी ट्रीटमेंट नहीं अपनाए हैं, जिन्होंने अभी तक नुस्खे नहीं अपनाए हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट फॉलो कर रहे हैं, आराम नहीं मिल रहा है, बहुत सारे लोग ऑपरेशन कराने के लिए भी अब चले ही जाते हैं डॉक्टर के पास कि हम ठीक हो जाएंगे, तो एक तो वो ऑपरेशन से बच जाएं मैम, और यूनानी और घरेलू नुस्खे अपना के खुद का ट्रीटमेंट वो खुद ही कर लें, कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी? नहीं तो मतलब वही है कि जो अच्छा है मतलब ऑपरेशन से बचना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन कमर का कामयाब नहीं होता है, और ये हकीम साहब की दवे से अल्लाह ताला शिफा देता है जी। मैं तो यही बोलूँगी। और हकीम साहब आपका ये इंटरव्यू सुन रहे हैं, सबसे पहले वही आपका ये इंटरव्यू देखेंगे, आप उनको कुछ कहना चाहेंगी तो आप अपने इंटरव्यू के ज़रिए उनसे कह सकते हैं। बस अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सबकी खिदमत में लगे रहें। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपना वक्त हमें इतना कीमती दिया, आपने अपने घर हमें आमंत्रित किया, इतनी बारिश हो रही है उसके बाद भी आपने वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत ठीक है। आप तो आप लोग तो उतनी दूर से आए मेरे लिए जी, तो मैं इतना करी तो बिल्कुल मैम, खिदमत करना हमारा काम है, आपकी सेहत का ख्याल रखना हमारा काम। हाँ वो बात सही है, बहरहाल हमारा भी तो फर्ज बनता है ना, आप लोग उतनी दूर से मेरे लिए आए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों आप सभी ने सुना हसीना खान जी को, जिन्होंने बताया कि हकीम साहब से जुड़ के अब वो कितनी स्वस्थ हो गई हैं। तो ऐसे ही आप लोग भी स्वस्थ हो सकते हैं, सेहतमंद हो सकते हैं, हमें फिक्र है आपकी, तभी तो हम आपसे मिलने आ रहे हैं आपके घर पे। ऐसे ही आप लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे। अगला नंबर आपके घर का भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, हमारे प्रोग्राम का एक हिस्सा आपको बनना होगा। तो एक बार फिर से मैं हाजिर होंगी एक और नए दर्शक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार आदाब।